અટલાજી ગ્રુપ કી ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ અટલાદરાને ઇન્ડિયાઝ ઇન્ટરનેશનલ મૂવમેન્ટ ટુ યુનાઇટેડ નેશન કોન્ફરન્સ કા આયોજન કિયા હૈ. ભારત મેં આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતન ઓર નેતૃત્વ કરને વાલી સંસ્થા આયમન કોન્ફરન્સ કા આયોજન પિછલે 4 સાલ સે ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ કર રહી હૈ. યહ સંસ્થા વિશ્વ કે લગતે પ્રશ્નો પર ચિંતન કરતી હૈ. ઇસ કોન્ફરન્સ મેં દેશ વિદેશ સે સ્પીકર છાત્રો કે સાથ અપને વિચાર સાંજા કરતે હૈ. ઇસ બાર 3 દિવસીય શિબિર મેં આતંકવાદ જૈસે મુદ્દે પર ચર્ચા કી જાને વાલી હૈ. યહ ચર્ચા કે બાદ સારે પ્રશ્નો યુનાઇટેડ નેશન કો દિયે જાતે હૈ. આજ ઇસ કોન્ફરન્સ કા આરંભ પંડિત દીનદયાલ હોલ મેં કિયા ગયા થા. ઇસ કાર્યક્રમ મેં લેસ્લે લેવિસ જો પોપ સિંગર હૈ ઓર કમ્પોઝર હૈ ઉનકે સાથ ટીવી સ્ટાર મૃણાલ જૈન ઓર ગાયિકા કાવ્ય વૈદ્યને શિરકત કી થી. કાર્યક્રમ કા આરંભ બીઆરજી ગ્રુપ કે ચેરપર્સન લતાબેન ગુપ્તા, ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ કે ડાયરેક્ટર અપેક્ષા પટેલ ઓર અભિલાષા અગ્રવાલ કે સાથ આયમન કે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઋષિ જૈનને કરવાયા થા. उनको एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि आपकी जो कला है आप उसको स्टडी करें और उस स्टडी करके उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस ओनली मेक्स यू परफेक्ट. और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी के अंडर सीखें. आजकल क्या होता है, सब लोग नया इंस्ट्रूमेंट ले लिया, गाना गाना शुरू कर लिया, कंपोज करना शुरू कर लिया. मैं कंपोज़र हूँ, मैं सिंगर हूँ, आपने किसके पास काम किया है, आज आपने किसके अंडर काम किया है, कुछ सीखा हुआ है किसी सीनियर आर्टिस्ट से, वो आपके जो फील्ड में है. वो अप्रेंटिसशिप जो है वो पहले होता था, अब नहीं है और बहुत कम हो गया है. मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल की जो पीढ़ी है उनको करना वो ज़रूरी है. अभी यूट्यूब में क्या हुआ है कि हर आर्टिस्ट को अपना पावर मिल गया है. पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में आपको रिकॉर्ड लेबल ढूंढेगा, वो डिसाइड करेगा कि आप में कला है या नहीं, और आपके पीछे इतने पैसे डाल के आपका गाना बनाया, आपका एल्बम बनाया, आपका वीडियो बनाए और फिर उसको मार्केट करके रिलीज, तो वही पैसे डालते थे. तो आपको वो ऑडिशन में पास करना ज़रूरी है ताकि रिकॉर्ड लेबल आपको पिकअप करे. अभी क्या हो गया है, यूट्यूब में हर आर्टिस्ट जो गाता है, जो भी उसका कला हो, वो अपने आप को स्टार बनाता है, क्योंकि वो उसको कोई ज़रूरत नहीं कि कोई मुझे पिकअप करे. मैं खुद अपना चैनल शुरू कर रहा हूँ, मैं खुद मेरे फ़ैन बेस डेवलप कर रहा हूँ, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट जोन हो गया है. और इसीलिए आपको वो जो पहले के बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे, अब नहीं है, क्योंकि वो फोकस सब पे गया है, सब लोग अपना अपना फोकस बना दिया है. पहले आप देखते थे कि लता मंगेशकर थी या किशोर कुमार थे या जो भी है, एक 4-5 लोग जो बहुत टैलेंटेड थे और सब लोग उनको ही सुनते थे. अभी वो यूट्यूब के लिए वो सब ब्रेकअप हो गया, सब लोग अपने अपना जो गाना गाते हैं या म्यूज़िक करते हैं या आर्ट करते हैं, वो अपना अपना अपने अपने फैंस को वो खुद अपना कला बताते रहते. मैं भी अभी नई सिंगर के वही पाथ पे चल रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शोज़ ने बहुत एक्सपोजर दिया है लोगों को. और जैसे कि इन्होंने भी कहा था कि हर हिस्से के दो पहलू होते हैं, क्योंकि आज अगर एक रियलिटी शो आपको एक टीवी का माध्यम देता है जहां आपको लोग पहचान सकते हैं, उसके बाद जो नंबर वन बनता है उसके बाद क्या, तो वो स्ट्रगल जारी रहती है. और हमारे इंडस्ट्री में बहुत, आई थिंक जितना मैंने देखा है, हमारा लक भी बहुत मैटर करता है. ऐसा नहीं है कि रियलिटी शो से कोई बना नहीं है. जैसे हम भूमि त्रिवेदी देख लें, उन्होंने भी गुजरात का फेम जो इंडियन आइडल में थी वो उन्होंने भी बहुत बड़ा किया और वो बॉलीवुड में है आज. तो मेरे हिसाब से नंबर वन जो टाइटल है वो सिर्फ रियलिटी शो तक ही रहे तो अच्छा है. उसके बाद जब हम बाहर आते हैं तो हमारी स्ट्रगल हमारी ही होती है. हाँ, रियलिटी शो से बहुत हमें एक्सपीरियंस मिलता है, गाने का मौका मिलता है, हमारा टैलेंट को प्रूव करने का मौका मिलता है, पर
अभी यूट्यूब ने भी हम जैसे आर्टिस्ट को एक चांस दे दिया कि हम हमारा टैलेंट ना कि एक रियलिटी शो से पर यूट्यूब से आसानी से हम पहुंचा सके लोगों को. फिर वही हो गया ना, हमें अगर इतना कंटेंट है यूट्यूब पे तो किसको क्या बेहतर है तो बहुत सब्जेक्टिव हो गया. आज मुझे भूमि त्रिवेदी अच्छी लगती है, आपको शायद से नहीं अच्छी लगती होगी. आज मुझे एक श्रद्धा पंडित जो यूट्यूब से ही इतनी बड़ी हो गई मुझे अच्छी लगती है, पर आपको शायद से नहीं अच्छी लगती होगी. पर वही श्रद्धा पंडित आज यूट्यूब फैनफेस्ट उसको बुलाता है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वो अच्छा है बुरा है? टैलेंट के हिसाब से वो जो लाइन्स थी वो सब ब्लर हो गई है. क्योंकि जैसे सर ने भी कहा कि लता जी थी, आज वो एक अच्छी गायक हैं, श्रेया घोषाल एक अच्छी गायक है. आज के ज़माने में कौन अच्छा है कौन बुरा है वो बोलना ही बहुत मुश्किल है. एक्चुअली मैंने एक सवाल अभी पूछा कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा कलाकार भी होता है और कुछ होता है कि जो अपने ही तरीके से शायद उसे फॉलोअर्स के लिए करते हैं या लाइक्स के लिए करते हैं. लेकिन एक चीज़ मैं सर के सामने भी कहना चाहता हूँ, जो टैलेंट होता है ना, टैलेंट कभी नहीं दबेगा. उसकी जो खोज है वो कोई ना कोई एक कलाकार कर ही लेगा. तो मेरे ख्याल से वो उसे कोई छुपा नहीं सकता और वो आपके हक में से कोई लेके नहीं जा सकता. तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया गया है, तो मैंने वही कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है, पॉजिटिव उनके लिए वर्क करता है जो सच में चाहते हैं कि उनकी आवाज़, उनका जो टैलेंट है कहीं कहीं ना कहीं पहुँचे. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट म्यूज़िक बट हर फील्ड में. अगर आज मैं रैपर्स की बात करूँ, रैपिंग पिछले 6 महीने से बहुत ट्रेंड में आया. अगर ये आवाज़ डिजिटल तक नहीं पहुंची होती तो मेरे ख्याल से आज गली बॉय तक में भी नहीं होती. मेरे ख्याल से उसे खोजी गई, उसे फिर फिल्मों में आया गया और आज मेरे ख्याल से एवरी यूथ एवरी बडी इज़ लिसनिंग टू इट एंड आज वो ट्रेंड में आ गया. तो वैसे ही ये जो टैलेंट है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से ढूंढा जा रहा है और आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स अ फ्री मीडियम जहाँ एक टैलेंटेड आर्टिस्ट अपना टैलेंट दिखाता है और कहीं ना कहीं से वो पिक हो जा रहा है. ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें.